कोरोना के खौफ से पुष्कर घूमने आए विदेशी मेहमानों के लिए अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। वैसे तो हमारी सनातनी संस्कृति में आदि काल से मेहमान को भगवान के बराबर माना गया है, लेकिन अभी कोरोना के कथित खौफ से सात समुद्र पार कर आए विदेशी सैलानियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह न तो हमारी संस्कृति के अनुकूल है और न ही हमारे देश की प्रतिष्ठा के अनुरूप। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने क्या एडवाइजरी जारी की है यह तो किसी के पास भी साफ नहीं, लेकिन इसके विपरीत अलग अलग सरकारी व महकमे अपने हिसाब से अलग अलग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर होली के मौके पर आए विदेशी सैलानियों की जो बेकदरी हो रही है उससे देश और दुनिया में हमारा गलत संदेश जा रहा है। हालांकि पुष्कर या आसपास अभी तक एक भी कोई कोरोना का मामला नहीं पाया गया है, लेकिन वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है मानो पुष्कर चीन का कोई कस्बा हो। अधूरी जानकारी के अभाव में होटल संचालकों को बिना आदेश मौखिक रूप से ही सैलानियों को कमरा न देने के फरमान जारी किए जा रहे हैं। दुश्मन को भी शरण देने वाले हमारे देश में विदेशी मेहमानों को इस मौसम में सर छिपाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। होली का आनंद लेना तो दूर, इन मेहमानों के लिए रहना और खाना भी मुश्किल हो गया है। अगर कोई सैलानी गलती से परामर्श लेने पुष्कर के राजकीय अस्पताल चला जाता है तो वहाँ भी कागजी खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में किस तरह हमारे प्रदेश में पधारो हमारे देश की परिकल्पना साकार होगी अपने आप में बड़ा सवाल है। पुष्कर से स्वामी न्यूज के लिए सीताराम पाराशर की रिपोर्ट। पुष्कर, I just got happened this morning in my hotel. Like manager told me, like you know, can you move out from the Pushkar because I'm Japanese. And then I said why, and then you know he told me like you know blah blah blah, like you know now happen, you know, like Jaipur happened like about Italy. She or he got some positive. So about the coronavirus, so now like I just went to the hospital after that. Then I proved my like, you know, I screening my body and you know, I told like answering, and then I just got proof like the paper. So now I think I'm okay. I hope so. So what do you feel about this? They are kicked off from their guest houses and they have to back to their country. That's nothing, like, you know, for me, like, it's really no pride for me. Like, you know, I'm just tourist and I want to enjoy Pushkar more, but I need to get out, I think so. जो सभी होटल के विजिट कर रहे हैं, जितने फॉरनर्स भले वो किसी भी देश के हो, एक बार उन सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है। खास तौर से जो 14 देश हैं जैसे इटली, हांगकांग, वियतनाम, मकाऊ, दक्षिण कोरिया, इनकी स्पेशली जांच की जा रही है कि किसी तरह के अभी कोई सिम्टम तो नहीं है, और जो नए बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग के बाद में होटल में अलाउ किया जा रहा है। वास्तविकता में भारत एक वैश्विक संकट से जूझ रहा है। कोरोना वायरस, इसके संक्रमण का खतरा बहुत अधिक होता है। इस कारण से जो राजस्थान के सरकार के महकमे हैं वो चेते हुए हैं। उन्होंने जो होटल व्यवसायी हैं उनको जो 14 देशों की सूची दी है कि इन 14 देशों से जो भी पर्यटक पुष्कर होली महोत्सव या घूमने आता है तो उनकी जांच करवाएं और उसके बाद ही उन्हें कमरा दें। इससे पर्यटकों में खौफ भी है कि असमंजस की स्थिति है। जो 6-6 महीने पहले बुकिंग्स कराई लोगों अंग्रेज़ों ने, रूम्स का पेमेंट, फ्लाइट्स का पेमेंट, वीज़ा का पेमेंट्स, वो सब उनका एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गया। तो ऐसी स्थिति में टूरिस्ट के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है। मुझे लगता है कि जो विभाग है, सरकारी महकमे हैं, इनको एक स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, टूरिस्ट को कन्वे करना चाहिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है, जिससे ऐसी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो।